आज सात के समाज से कहने आया हूं कि सात के समाज के भाइयों, सात के समाज के लोगों, यही जिला है, पूरा प्रदेश है। योगी जी कहते हैं कि हम अपराधियों को, गुंडों को जेल भेज देते हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को आगे यमराज मिलते हैं। आगरा में कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ, आरोप योगी जी के बिरादरी के ऊपर लगा। यमराज तो छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर अपराध, जिसके ऊपर आरोप लगा उसे कोई सिपाही भी नहीं मिला, थाने से जमानत दे दी गई। मैंने कई चैनलों पे बात उठाया, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई नेता, योगी हो या उत्तर प्रदेश का साक्ष्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का एक नेता, वहां गूंगा बहरा बैठा है, उसने भी कोई आवाज नहीं उठाई। तो आज उत्तर प्रदेश में इसी जिले में करमवीर साक्ष्य को दबंगों ने चाकू मारा, 27 चाकू। आजमगढ़ में शीला मौर्य को दबंगों ने चाकू मारा और कहते हैं हत्या कर दी, और कहते हैं कि हम बाबा बुलडोजर लेके घूमते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि जिन लोगों ने शीला मौर्य को 27 चाकू मारकर हत्या किया, उनको बाबा जी का बुलडोजर नवीन परती में बना घर आरोपियों का नहीं गिरा, क्योंकि वो बाबा जी के। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। शोरों की इस पावन धरती को नमन करते हुए आज मंच की शोभा बढ़ा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का नमन करते हुए, यहां उपस्थित मंच पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और महान दल के नेतागण, सामने उपस्थित महान दल और समाजवादी पार्टी के तमाम जुझारू कार्यकर्ताओं, समर्थकों, मैं आपके बीच में बहुत थोड़ा सा समय लूंगा। आज मैं आपको, साक्ष्य समाज को मुख्य रूप से ये बताने आया हूं कि जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते, जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते। सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है, पुलिस बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा जब भी इंसान को इंसान से, जब मिलाना चाहा जब भी इंसान को इंसान से, सारे काम बीजेपी बिगाड़ देती है, सारे काम बीजेपी बिगाड़ देती। ये हिंदुस्तान भाईचारे का देश है, यहां सभी वर्ग, सभी धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सभी धर्मों के लोगों का बाबा साहब ने बराबर का सम्मान दिया है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग इस भाईचारे में सेंध लगाना चाहते हैं। लेकिन आज आपके बीच में लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई है, आज ये बहुत मजबूत लड़ाई है। एक तरफ वो हैं जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, एक तरफ वो हैं जो देश को छिन्न भिन्न, अखंडता को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, एक तरफ वो हैं जो आरक्षण छीन लेना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं, बैठे हैं हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों को एकजुट करके उनको हक, अधिकार और न्याय देना चाहते हैं। मैं किसी लालच के नाते, महान दल को कोई इस लोकसभा में कोई सीट नहीं मिली है, फिर भी मैं पूरे ईमानदारी के साथ, मैं उस नारे के साथ खड़ा हूं कि महान दल ने ठाना है और सपा को जिताना है। मैं आज साक्ष्य समाज से कहने आया हूं कि साक्ष्य समाज के भाइयों, साक्ष्य समाज के लोगों, यही जिला है, पूरा प्रदेश है। योगी जी कहते हैं कि हम अपराधियों को, गुंडों को जेल भेज देते हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को आगे यमराज मिलते हैं। आगरा में कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ, आरोप योगी जी के बिरादरी के ऊपर लगा। यमराज तो छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर अपराध, जिसके ऊपर आरोप लगा उसे कोई सिपाही भी नहीं मिला, थाने से जमानत दे दी गई। मैंने कई चैनलों पे बात उठाया, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई नेता, योगी हो या उत्तर प्रदेश का साक्ष्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का एक नेता, वहां गूंगा बहरा बैठा है, उसने भी कोई आवाज नहीं उठाई। तो आज उत्तर प्रदेश में इसी जिले में करमवीर साक्ष्य को दबंगों ने चाकू मारा, 27 चाकू। आजमगढ़ में शीला मौर्य को दबंगों ने चाकू मारा और कहते हैं हत्या कर दी, और कहते हैं कि हम बाबा बुलडोजर लेके घूमते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं देखा
कि जिन लोगों ने सीला मौर्य को 27 चार चाकू मारकर हत्या किया उनको बाबा जी का बुलडोजर नवीन परती में बना घर आरोपियों का नहीं गिरा, क्योंकि वो बाबा जी के चहेते लोग हैं। तो कुल मिलाकर आज लड़ाई है, अहम बदला लेना चाहते हैं हम सभी लोग। जब अपने समाज के साथ अन्याय होता है, जब तकलीफ होती है, जब उनके साथ जब हमारा आरक्षण छीना जाता है, जब संविधान बदलने की बात आती है तो हमें दुख होता है, हमें गुस्सा आता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस समय नहीं जाहिर कर सकते, लेकिन गुस्सा जाहिर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिन दिया है, वो चुनाव का दिन है। उस दिन बदला ले लेना। बदला लोगे महान दल के लोगों नहीं लोगे, समाजवादी पार्टी के लोग बदला लोगे नहीं लोगे। ये बाबा के लिए दलित पिछड़े यादव का बेटा अपराधी है, साकेत कुशवाहा सैनी मौर्य का बेटा इनकी नजर में अपराधी है, इनकी नजर में मुसलमान का बेटा अपराधी है, लेकिन इनके अपने लोग जो इनके चहेते हैं वो अपराधी नहीं है। इनके नजर में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद माफिया है, ठीक है भाई हैं, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन ब्रिजेश सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, साधु संत महात्मा ये अपराधी नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई। बाबा जी ऐसे जातिवादी सरकार, ऐसी अन्यायी सरकार, इसे एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, इसे उखाड़ कर फेंक देना। मैं आपसे महान दल के लोगों से अपील करने आया हूं, जो महान दल के कट्टर समर्थक हैं कासगंज के एटा के, मैं उनसे कहने आया हूं कि देवेश साके जी से कोई गलती हो सकती है, किसी से कोई गलती हो सकती है, वो हो सकता है आपको उतना सम्मान उतना महत्व न दे पाए हो, लेकिन मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देना है, देवेश साके को देख के नहीं देना है, आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी को देना है, संविधान बचाने के लिए देना है आपको। आपको अपना एक एक वोट साके समाज के लोगों, आपको अपना एक एक वोट आदरणीय अखिलेश यादव जी देना है, क्योंकि आरक्षण बचाना है। केशवदेव मौर्य आरक्षण और संविधान नहीं बचा सकता, लेकिन अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके मैं आरक्षण और संविधान बचा सकता हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं। आपसे अपील करने आया हूं कि अपने गांव में जो आसपास के लोग हैं साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के साथ जो दूसरी जातियां रहती हैं उनसे हाथ जोड़कर एक एक वोट, एक वोट भी खराब नहीं होना चाहिए किसी बहकावे में कि किसी का अपमान हो गया, किसी का अपमान सम्मान नहीं हुआ, ये एक भी बात सुननी नहीं चाहिए। मुझे विश्वास दिलाओ महान दल के लोगों, हाथ उठा के हाथ हिला के विश्वास दिलाओ कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के खाते में डालोगे। महान दल के लोगों मुझे विश्वास दिलाओ, आदरणीय अखिलेश यादव जी को विश्वास दिलाओ कि एक एक वोट हाथ हिला के, दोनों हाथ हिला के बताओ, एक एक वोट महान दल के खाते में डालने, समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर डालने का काम करोगे। आपके झंडे में जो आपका छोटा झंडा है उसमें साइकिल चिन्ह है, महान दल का झंडा है लेकिन साइकिल चिन्ह है। ये दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है कि यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साके की लंबी जीत होनी चाहिए, एक वोट भी खराब नहीं होना चाहिए। खराब नहीं होगा, बोलो खराब नहीं होगा ना? नहीं होगा भाई। क्यों बोल रहे हो वहां से? हम पब्लिक से पूछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार नारा लगा के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इतने से काम नहीं बनता भाई, खुद पूरी जान लगाओ दोनों मुट्ठी बंद करके। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महान।